This is not a joke. This message is for Marvel Entertainment. We want the Infinity War trailer right now. No! We're tired of your business. No! I've heard some people got the chance to go to Comic-Con and watch that trailer. Yeah! I'm gonna show you some footage. We didn't get to go to Comic-Con. Yeah! I was online trying to pay for the tickets. It got sold out in 5 minutes. How do you pay? How do you pay tickets in 5 minutes? हेलो गाइस, वेलकम टू द जीमीटी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियो के बारे में, केविन फाइगी के बारे में, रूसो ब्रदर के बारे में। तो सबसे पहले केविन फाइगी के बारे में बात करते हैं। तो केविन फाइगी ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मूवी कब रिलीज होगी और कौन सी मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जिससे कि मूवी कनेक्ट हो सको। और रूसो ब्रदर ये काम करते हैं कि किस मूवी की स्टोरी लाइन कौन सी अच्छी रहेगी और हमें कॉमिक बुक से क्या चाहिए और थोड़ा उसको ऑरिजिन चेंज करने के लिए क्या चाहिए। तो रूसो ब्रदर्स पे एक कमेंट करा था डायरेक्टर ने कि आप इतने बड़े बड़े कैरेक्टर को लेकर एक मूवी बना रहे और ये मूवी फ्लॉप जाएगी, बेकार है, आप इस पे काम करना बंद कर दो। तो रूसो ब्रदर ने सिविल वॉर बनाकर ये साबित करा कि ये सबसे बेस्ट मूवी होगी। और फाइनली आज उन्होंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर बनाई ये मूवी और इनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब हंसी की बात तो ये है सबसे ज्यादा कि रूसो ब्रदर ने कमेंट करा है कि गिव ट्रेलर इन्फिनिटी वॉर, यानी कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब मार्वल स्टूडियो पैसे कमाने के चक्कर में ट्रेलर को इतना लेट कर रहा है और वो मार्केटिंग करने में लगा हुआ है। और अब तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है कि बेचारे रूसो ब्रदर के हाथ में भी नहीं है ट्रेलर रिलीज करना या केविन फाइगी के हाथ में भी नहीं है ट्रेलर रिलीज करना। तो वहां जाने क्या होगा। और काफी लोग इंडिया में नाराज हैं कि सेकंड ट्रेलर लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हो। और फाइनली मार्वल इंडिया ने हिंदी में ट्रेलर लॉन्च करके और ज्यादा दिमाग खराब कर दिया कि आयरन मैन की वॉइस चेंज कर दी। तो अब बात करते हैं हाल ही में कुछ कौन सा पार्ट रिलीज करे हैं जिसमें कि ब्लू कलर का हल्क दिखाई दिया है हमें और ये कौन सा पार्ट काफी कमाल का लग रहा है। देन उसके बाद थैनोस का लाइट पोस्टर, जी हां, जिसमें गोल्डन कलर का आर्मर काफी कमाल का दिख रहा है। और देन अब उसके बाद बात करते हैं न्यू आर्टवर्क के बारे में। तो फाइनली जिस प्लेनेट पे ये लड़ रहे हैं वो है टाइटन, बट मूवी में ऐसा नहीं होने वाला है इसलिए ये आर्टवर्क रियल नहीं है, ये एक थोड़ा फेक है सिंपल। उसके बाद मैंने कल रात में एक पोस्ट लॉन्च करा था जिसमें कि ग्लासेस थे, तो हर एक ग्लासेस में एक एक इन्फिनिटी स्टोन दे रखा है और हमारे कैरेक्टर भी दे रखे हैं। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आयरन मैन के लिए। उसके बाद हर एक वेबसाइट ने डिक्लेयर कर दिया है कि रूसो ब्रदर ने जो कमेंट करा है तो शायद 16 तारीख के 2 दिन के अंदर ये ट्रेलर लॉन्च हो जाए। फाइनली जब पहला ट्रेलर लॉन्च हुआ तो मैंने आपसे कहा था कि आप और मैं मिलकर एक नहीं रिएक्शन वीडियो बनाएंगे और आपने काफी अच्छे अच्छे वीडियो सेंड करे। तो मैं भी चाहता हूँ कि मार्वल स्टूडियो के लिए आप एक 2-3 लाइन बोल कर दें और हम भी एक मार्वल स्टूडियो को एक मैसेज दें। और देन ये वीडियो कल आपको 5 बजे तक सेंड करना है ईमेल पर और जो सबसे अच्छा बोलेगा मार्वल स्टूडियो के लिए तो मैं उसे अगली वीडियो पर शॉर्ट आउट जरूर दूंगा। तो आप यानी अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो तो एक मार्क्स भी बनाकर इन्फिनिटी वॉर के बारे में या ट्रेलर के बारे में बोल सकते हो। तो गाइज देखते हैं कल 5 बजे तक कितनी वीडियोस आती है मेरे पास। और गाइज आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।